हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। लास्ट सेशन में हमने ट्रिम बिल्ड एंड फंक्शन के बारे में देखा था। आज के सेशन में हम देखेंगे एब्सोल्यूट बिल्ड एंड फंक्शन के बारे में। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है एबीएस नेम से, हम उसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो वही कंट्रोल ऑप्शन स्पेसिफाई किए हुए हैं डीबग पर्पस के लिए। तो ये लाइन में मोस्टली हर मेरे सेशन में ये लाइन में इंक्लूड रखता हूँ। तो अगर आपको जैसे कोई प्रोग्राम डीबग करके देखना है तो आप ये लाइन रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन किया हुआ है, तो मैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने नंबर वन नेम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करेगा। उसके बाद में नंबर टू है, वो भी न्यूमेरिक वैल्यू, साइज है उसका टू। और फिर एक रिजल्ट वेरिएबल है जो रिजल्ट स्टोर करेगा। उसके बाद में यहाँ से हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने नंबर वन में स्टोर किया हुआ है 50 और नंबर टू में स्टोर किया हुआ है 20। उसके बाद में हम रिजल्ट में उसका सम ले रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर टू माइनस नंबर वन, तो जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो हमने रिजल्ट में स्टोर किया हुआ है और फिर हम रिजल्ट को डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर टू हमारा है 20 और नंबर वन है 50। तो 20 माइनस 50 करेंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा -30। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो माइनस में आएगा। तो इस केस में हम यहाँ पे अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि कोई भी हमारे को ऐसा कैलकुलेशन करना जो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उस केस में हम एबीएस को यूज़ करते हैं। एबीएस मींस एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट बिल्ट इन फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसमें को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। जैसे नंबर टू अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं लिखा परसेंटेज एबीएस, उसके बाद में जो भी हमारा कैलकुलेशन पार्ट है वो यहाँ आएगा। तो नंबर टू माइनस नंबर वन और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे। तो जो भी इसका आउटपुट आएगा, पहले यहाँ पे ये कैलकुलेशन परफॉर्म होगी और जो आउटपुट आएगा उसको ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेगा, मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यू निकालेगा और डिस्प्ले करा देगा। तो ये हमने डिस्प्ले किया हुआ है और ये हमारा लास्ट रिकॉर्ड स्टार आई एन लॉर ऑन, मतलब ये हमारा प्रोग्राम यहाँ एंड होता है। तो अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखो, पहले हमने किया 20 माइनस 50 तो ये आया -30। फर्स्ट ये हमारा है जब हमने एब्सोल्यूट बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ नहीं किया। अब मैं एंटर करता हूँ, ये हमारा आउटपुट आया एब्सोल्यूट बिल्ट इन फंक्शन के यूज़ करने के बाद में जो आया 30। तो उसने क्या किया, हमारे प्रोग्राम में था उसकी जो कैलकुलेशन है पहले उसको परफॉर्म किया और फिर उसकी वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से अगर कोई भी ऐसे हम सपोज प्रॉफिट या इस तरह से कुछ कैलकुलेट करना है और उसकी वैल्यू नेगेटिव में हम एक्सपेक्ट नहीं करते अपने आउटपुट में, तो उस जगह पे हम ये परसेंट एबीएस बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और आरपीजीएल टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन मैथ।